मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। खबरों को ऐसे लाल हरे हैं भाई साहब, ट्रेड के लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं ये कंटिन्यूस सेशन में आप डिसाइड करिए। डिलीवरी लार्ज ट्रेड में एक पब्लिक शोल्डर ने कल माल छोड़ा, नुवामा में भी एक लार्ज HNI ने माल छोड़ा, साइन DLM और PNB हाउसिंग में जो कल लार्ज ट्रेड आवाज ने बताए थे सटीक पड़े और उनमें जो बायर्स आए उनके चलते इन दोनों को आज ग्रीन रखा है। कल्याण ज्वेलर्स में इनका एक इन्वेस्टर है हाइडल इन्वेस्टमेंट, चंक बेचेगा और पूरा चंक प्रमोटर्स 2.5% खरीदेंगे उससे मौजूदा भाव के करीब, बड़ी अच्छी खबर। एल्कम लैब्स प्रमोटर आज 0.7% हिस्सा बेचना चाहते हैं, अपन लाली लेके जाएंगे। रीडा तगड़ी फंड रेजिंग के लिए अगले थर्सडे को बोर्ड मीट कर रहा है, तो निपॉन इंडिया ने एक नया फंड लॉन्च करा, तो पारस डिफेंस को लाइसेंस मिला है नवी मुंबई में एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए। BML ने इंडियन नेवी के साथ एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप स्टिच करी, इसीलिए ये सब नीचे वाले हरे। 10 संपला। ओके, खरीदारी पे ही फोकस ज्यादा था, बहुत सारी खबरें हैं उसमें रखा है। इसमें पेटीएम और जोमेटो के बीच में आपस में एक डील हुई, एक बिजनेस खरीदा है और जोमेटो ने पेटीएम का। शाह मेटेलिक्स में UBS की कॉल है, 1200 का टारगेट है। L&T टेक ने एक थेल्स के साथ टाई अप किया है। ऑफिस ने बंगलुरु में अपना एक 40,000 सीटों का कार्यक्रम शुरू किया है। वेलस्पन इंटरप्राइजेस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला BMC से, और अम्ब इंटरप्राइजेस ने अपने नए बिजनेस अपडेट दिए जो उन्होंने नई कंपनी बनाई है। इंटरग्लोब एविएशन पे जेफ्रीज की रिपोर्ट है, टारगेट अपग्रेड किया है। वेदांता में भी CLSA ने अपग्रेड किया है, और HP CLSA क्योंकि कच्चे तेल में इतनी नरमी है तो फ़ायदा ज़रूर होगा। राजेश जी, आपने दोनों टीम्स देख ली, बताइए क्या पिक करेंगे? वैसे तो जी देखिए, आशीष जी की टीम से शुरुआत करता हूं, तो जहां पे सबसे आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा टेक्निकली स्ट्रेंथ है, दैट इज निप्पॉन इंडिया का चार्ट। चार्ट बढ़िया है मेरे हिसाब से, एक मूव बाकी है, 750 प्लस 750 प्लस के टारगेट है, 720 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो इट्स अ लॉन्ग। नीरज की टीम में जो सबसे बढ़िया लगता है वो मेटल सेक्टर से वेदांता। देखिये, वेदांता में कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट का टारगेट मेरे हिसाब से इमीडिएट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 470-475 का होगा। सो वेदांता 448 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बनता है।